बीजेपी ने भैंसा टाउन के हालिया पुरतशद्दुद वाकयात को हिंदुओं के अखराज की साजिश का हिस्सा करार दिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस एम मेंद्रेड्डी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने कहा कि जिस तरह कश्मीर से पंडितों को बाहर किया गया, उसी तरह भैंसे से हिंदुओं को बाहर करने का मनसूबा बनाया गया है और हालिया फसाद इसी साजिश की कड़ी है। उन्होंने कहा कि मजलिस का मकामी सदर जाबिर अहमद एक अरसे से भैंसा बल्दिया का नायब सदरनशीन है और वही इन फसादात के पीछे है। गुजरे साल भी फसाद करवाया गया था। अरविंद ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के डी रामारो की खामोशी पर शदीद तनकीद की और सवाल किया कि उन्होंने मुतासरा टाउन का अब तक दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकलते और के डी रामाराव महज ट्वीट पर ट्वीट करते चले जाते हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि के डी रामाराव गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं जो सिर्फ एक बकवास है। अगर केसीआर और के डी रामाराव हिंदू हैं और हिंदुओं से उन्हें कुछ मोहब्बत है तो उन्हें फौरी भैंसे का दौरा करना चाहिए। धर्मापुरी अरविंद ने कहा कि फसादात के सिलसिले में दो मजलिसी कारपोरेटर्स को गिरफ्तार किया गया है और वो महाराष्ट्र से तड़ी पार होकर भैंसा में आकर बस गए हैं। हो रहा है ये कम्युनल राइड जो भी हो रहा है ये पूरा प्लान्ड है, शेड्यूल्ड है। एमआईएम पार्टी इसका इसके पीछे है और टीआरएस और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसका सपोर्ट में है। हर हिंदू को भैंसा से निकलने का साजिश है। जो कश्मीर में हुआ डिकेड्स पहले वो फिर भैंसा में करना चाह रहे हैं, ये खुली बात है, ये दिख रहा है। पुलिस लास्ट टाइम जो 2020 जनवरी में उतने बड़े पैमाने पे कम्युनल रेड जब हुए, आज तक एक आदमी को भी जो रियल कल्प्रिट है आज भी जेल में नहीं है। सब लोग वही लोग म्युनिसिपैलिटी में काउंसलर बने पड़े हैं, चेयरमैन बने पड़े हैं। वो जाबिर अहमद जो ये सबके साजिश के पीछे है जो आदमी, उसका आज तक कुछ ये गवर्नमेंट उसके पीछे कुछ पनिश भी नहीं किया उसको, वो भी खुली आज का दिन भी वार्निंग देते फिरते रहता सबको। ये खुली बात है, हिंदुओं को भैंसा से निकाल देने का साजिश है। इसके लिए केसीआर का सरकार पूरा सपोर्ट एमआईएम को कर रहा है। जो दो काउंसलर आज अरेस्ट किए जैसा मेरे को समाचार है, वो भी कितना देर अरेस्ट रखेंगे, उनको कितना देर जेल में रखेंगे वो देखने की बात है। वो दोनों भी महाराष्ट्र से तड़ी पार किए गए लोग हैं दोनों भी। उन लोगों को तेलंगाना में लेके आकर एक पॉलिटिकल पार्टी में टिकट देकर एमआईएम से काउंसलर भी कर रहे हैं। क्या कर रहा केसीआर सरकार? और मुझे आज भैंसा जाने नहीं दिए, परसों रात में मेरे को हाउस अरेस्ट करके रखे। मेरे घर के सामने 100 से ज्यादा पुलिस लोगों को लगाए, पुलिस पर्सनल को लगाए। क्यों मैं क्रिमिनल दिख रहा हूँ क्या? अब ठीक है मैं नहीं जाऊंगा भाई, केसीआर को कौन रोक रहा भाई बाहर जाओ उधर भैंसा जाने? केसीआर जाके देखो, आप देखो केटीआर क्यों नहीं जा रहा, जाके देखो, पिछले साल भी नहीं गए। वो लोग गए तो भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता क्या? ठीक है अरविंद गए तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकता है, केसीआर गए तो भी होता क्या? कब निकलता बाहर केसीआर फार्म हाउस से? ये केटीआर किसको कहानियां बताया, ट्वीट करते रहता, गंगा जमुना तहजीब वंकाए दोंडकाए सब ट्वीट करते रहता, फलाना डिंगाना सब बकवास करते रहता ट्वीट पे। जाओ लो आपका बाप का हेलीकॉप्टर लो, जाओ भैंसा जाओ, सिचुएशन एनालाइज करो। जो भी कल्प्रिट से एमआईएम वाले, आप हिंदू नहीं है क्या? केटीआर आपका बाप हिंदू नहीं है क्या? जाके जो भी हिंदुओं का मर्डर करे, सबसे ज्यादा मैं चैनल्स को बोलना चाह रहा हूँ, जर्नलिस्ट को इंजुरीज ज्यादा हुए, एक जर्नलिस्ट सीरियस है, जर्नलिस्ट एवरी न्यूज चैनल हैज टू टेक इट अप, लेट योर मैनेजमेंट एक्ट इंडिपेंडेंटली। ये पूरा एक मीडिया लेना चाहिए इसको। ये केटीआर क्यों नहीं जा रहा है, केसीआर क्यों नहीं जा रहा है भैंसा को, इसका जवाब दो। पहली बात, मजलिसी अरकान असेंबली अहमद पाशा खादरी और मौजम खान ने फलकनुमा रेलवे ब्रिज की तामीर के काम का मायना किया और उसे जल्द से जल्द मुकम्मल करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस काम की वजह से ट्रैफिक का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक जाम की शिकायत आम हो चुकी है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस फलकनुमा मोहम्मद माजिद के अलावा पुलिस और बलजोदार उनके हमराह थे। अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि खायद मखाना अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर यह काम शुरू किया गया है। उन्हें यकीन है कि इसे मुकर्रर वक्त यानी 6 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। बाद पार्लिमानी हल्के के इलाके फलकनुमा के पास जहाँ पर बहादुरपुरा चलानगुटे का बॉर्डर है, ये फलकनुमा रेलवे ब्रिज जो इंतहाई नाकाफी है, मौजूदा हालात में इसकी तोसी बेहद ज़रूरी थी
और इसके प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ़ायदे मुकन्ना मजलिस पार्टी ने हुकूमत से नुमाइंदगी की और उसकी कामयाब नुमाइंदगी के नतीजे में काम का आगाज़ हुआ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब मोदम खान साहब बहादुरपुर MLA और बहादुरपुर के कॉरपोरेटर्स चंद्रान गुट्टे कॉरपोरेटर्स इस ब्रिज के काम का मुआयना कर रहे हैं। सदर साहब की हिदायत है कि यहाँ के मुकामी लोगों को कुछ शिकायतें हैं तो ऑफिसरों से बात करो, शिकायतों को दूर करना चाहिए। बहरहाल काम चल रहा है, ट्रैफिक का डिवीजन हुआ है, ट्रैफिक के लोग बंदोबस्त कर रहे हैं और पूरे बैनर शूटिंग लगा के ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है। काम यहाँ चंद्रान गुट्टा ब्रिज पे जो बहादुरपुर के एरिया से चल रहा है उसको बाजू फारूक नगर से उसके ट्रैफिक को का रुख मोड़ दिया गया है। वो ओरम गड्ढे के तरफ से निकल के वो मेन रोड पे जाएंगे, फिर उधर से पलट के उप्पूगुड़े से जो रोड आ रही है वहाँ पर भी जो सो ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है। वहाँ के लोगों की कुछ शिकायतें मालूम हुआ कि ट्रैफिक बहुत जाम हो रही है, रुख ट्रैफिक का रुख तो मोड़ दिया गया लेकिन जिस तरीके से रोड फराहम करना था इंक्रोचमेंट को कम से कम टेम्पररी हटा के ये काम की तकमील तक नाजायज़ कब्ज़ों को हटाए ताकि आमदरफ में ट्रैफिक को रुख सहूलत हो सके। कंदिकल गेट रोड पे वहाँ पर भी जा रहे हैं, हम देख रहे हैं वहाँ भी काम का मुशाहिदा करेंगे, वहाँ से तफसीली रिपोर्ट आपको देंगे। बहरहाल सर साहब की कोशिश ये है कि लोगों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने पाए और इस सिलसिले में कायद मुकन्ना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने कई सालों से कोशिश कर करके अब ये काम को मंजूर कराया और इसका काम का आगाज़ भी हुआ। इंशाल्लाह गुत्तेदारों के एग्रीमेंट के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि 6 महीने के अंदर यह काम की तकमील होगी और उसके बाद लोगों को यहाँ पर इससे इस्तेफादे का मौका मिलेगा। लेकिन जंगी खतूत पर अगर रफ्तार रहे काम की तो यकीनन 6 महीने में कम्प्लीट हो सकता है, करना भी चाहिए। अभी से हर थोड़े दिन को अगर जमात की तरफ से कोई ज़िम्मेदार यहाँ पर आके देखते रहे और ऑफिसरों पे प्रेशर बरकरार रखे, मैं समझता हूँ कि 6 महीने के अंदर ये काम की तकमील हो सकती है। इंशाल्लाह कोशिश यही है, आगे भी देखेंगे देख के फिर उसके बाद ऑफिसरों से मीटिंग रखे, यहाँ जो दुश्वारियाँ हैं उसको दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया। MPT के तर्जुमान अमजदुल्लाह खालिद ने कहा है कि रियासत में TRS ने एक मुस्लिम को वजीर तो बनाया है लेकिन ये वजीर मुसलमानों के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुका है और ये बेफाइज भी साबित हुआ है। इसकी वाज़ह मिसाल मक्का मस्जिद की तामीर के काम की अदम तकमील है। हद तो ये है कि मक्का मस्जिद के इमाम और 170 मुलाजमीन 10 महीने से अपनी तनख्वाहों से महरूम है। रियासत के मुसलमान अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ऐसे मुस्लिम वजीर की क्या जरूरत जो मुसलमानों के मसाइल को हल नहीं करवा सकता और ना ही उनकी कोई मदद कर सकता है। अमजदुल्ला खान ने हैदराबाद के मुस्लिम रुकन पार्लियामेंट और पुराने शहर के साथ मुस्लिम अरकान असम्बली की माने खैस खामोशी पर भी सवाल उठाए। मक्का मस्जिद जो है दुनिया में एक सबसे अहम मुकाम है और हैदराबाद को अगर कोई सही रिप्रेजेंट करता है तो चार मीनार और मक्का मस्जिद। लेकिन मक्का मस्जिद का ज़रे हाल ये है कि पिछले 10 महीने से वहाँ के 140 एम्प्लॉइज जो 70-70 शिफ्ट यानी 2 शिफ्ट में काम करते हैं उनको सैलरीज नहीं मिले हैं और इमाम की सैलरी नहीं है, मौजन की सैलरी नहीं मिली है 10 महीने से। एक तरफ हुकूमत जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अखिलियती दोस्ती की गुफ्तगू करते हैं, माइनॉरिटीज़ बजट को हर साल बढ़ाने की बात करती हैं लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि पिछले 10 महीने से मक्का मस्जिद के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज नहीं मिली है और मक्का मस्जिद की नुमाइंदगी करने वाले हैदराबाद के MP लापता है, MLAs लापता है, हमारे महमूद अली साहब होम मिनिस्टर एक मुसलमान है लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है कि जाके चीफ मिनिस्टर को ये बोलने की कि आप 10 महीने से हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं दिए हैं। और रमज़ान से पहले काम ख़त्म होने की जो बात की गई थी, जो मक्का मस्जिद में अंदर काम चल रहा है वो अगर आप जाके देखेंगे तो मक्का मस्जिद का बहुत बुरा ज़रे हाल है, बहुत बुरा हाल है वहाँ पर। ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक हमारा मुतालबा है कि रमज़ान से पहले पूरे 140 एम्प्लॉइज़ की सैलरी रिलीज़ करना चाहिए और उनको इंसेंटिव देना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में जो है ये इंसेंटिव दिए जा रहे हैं ये जो कोरोना की तरफ से
इनको भी देना चाहिए और जो काम जेर जामीर है वो काम को रमजान से पहले मुकम्मिल करना चाहिए और खुद चीफ मिनिस्टर आके दौरा करना चाहिए मक्का मस्जिद के जरिए हालत का देखने के। सब 8 करोड़ पर सेंशन करें, इसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर गायब है, अंदर का काम 9 कमाने से सिर्फ 3 कमान का काम मुकम्मिल हुआ, अभी काम बाकी है, छत का काम बाकी, दीगर जो कॉन्ट्रैक्टर का काम चल रहा है। एक ड्रामा हुआ था आपको याद होगा कि चारमीनार के MLA मुमताज अहमद खान साहब आके कॉन्ट्रैक्टर को मक्का मस्जिद में गाली गलौज कर रहे थे वहां पर के काम नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, क्या लेन देन हुई नहीं मालूम, MLA साहब गायब हो गए। वहां पर आप जाके देखेंगे तो जो क्वालिटी का वर्क हो रहा है बिल्कुल ही 0% क्वालिटी मेंटेन की जा रही है। हम चाह रहे थे कि जो काम जो बजट माइनॉरिटी वेलफेयर का एक्चुअली 20 करोड़ रुपए ऐलान किया गया, लेकिन पहले साल में हम 8 करोड़ रुपए देते बोले, वो 3 साल से काम चल रहा, तो ये 8 करोड़ रुपए का काम की निगरानी जो है कौन कर रहा है, क्या ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की क्वालिटी वाले कर रही या वाटर वर्क्स की क्वालिटी वाले कर रहे हैं, इसका कोई अभी तक क्लियरिटी नहीं है। आप जाके देखिए पूरे हाउस में ईंट पड़े हुए है, तहारत खाने में आप जाइए वहां पर जाके पूरे टूटियां टूटे हुए है, पूरे हाउस के बदबू वहां पर तहारत खाने में तो आप तस्वुर नहीं कर सकते अंदर जाने का, वजू खाने की इतनी बुरी हालत है कि अगर आप बगैर चप्पल के कभी गलती से अंदर वजू खाने में चले गए तो स्लिप होके गिर के आपकी रेड़ की हड्डी टूट जाती है, आपका पैर टूट जाता वहां पर। तो चार मीनार यानी मक्का मस्जिद की जब हालत ऐसी है तो स्टेट के मुसलमानों की क्या हालत होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये TRS की गवर्नमेंट, बीजेपी के कायदीन के वफद ने सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय रुकने पार्लियामेंट की क्यादत में यशवंत हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां भैंसे के पुरस्कृत वाकयात में जेरे इलाज जख्मियों की मिजाज पुरसी की। मीडिया से बातचीत करते हुए बंडी संजय ने कहा कि जख्मियों में एक सहाफी एक पार्टी कारकुन भी शामिल है। उन्होंने बताया कि निर्मल में मुनासिब इलाज न होने की बिना पर बीजेपी ने उन्हें हैदराबाद के हॉस्पिटल को मुंतकिल किया है। बंडी संजय ने भैंसे के वाकयात के लिए मजलिस को मुंतजम ठहराया और कहा कि मामूली बात पर झगड़े फसाद में तब्दील हो रहे हैं। उन्होंने हादसे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मजलिसी अरकान असेंबली मौजम खान और जाफर हसैन मेराज ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल रामपल्ली पहुंचकर COVID-19 वैक्सीन का टीका लगवाया। वाजह रहे कि टीके अंदाजी के दूसरे मरहले में 60 साल से ज्यादा उम्र या फिर 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे अफराद को जो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला है एक कुमार से टीके लगाए जा रहे हैं। वनस्थलीपुरम ने शौहर के कत्ल के इल्जाम में बीवी को गिरफ्तार करके गगन अग्रवाल के लापता होने के केस का मामला हल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गगन अग्रवाल ने अपनी पहली बीवी को छोड़कर गुज़श्ता साल जून में एक मुस्लिम खातून नौशीन बेगम से शादी की थी। 8 फरवरी को अग्रवाल की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। बताया जाता है कि नौशीन बेगम ने अग्रवाल का कत्ल करके उसे घर में ही दफन कर दिया था। मुस्लिम नौजवानों को नजरअंदाज करते हुए हिंदुओं से शादी करने का ये इबरतनाक अंजाम है। रियासती असेंबली के बजट सेशन का 15 मार्च को रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन के खिताब से आगाज होगा। 17 मार्च को गवर्नर की तकरीर पर तहरीके तशक्कुर पर मुबाहिस होंगे, जबकि 18 मार्च को रियासत का बजट बराए साल 2021-22 पेश किया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बजट तजावीज पर सीनियर वज़रा और आला अधिकारियों से मशावरत में मसरूफ हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत PRC की सिफारिशात पर अमल करेगी और उनके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। प्रगति भवन में सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा के एक वफद से बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बताया कि सरकारी मुलाजमीन की उम्र वजीफा में इजाफे पर भी संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है। इस वफद में तेलंगाना NGOs के सदर M. राजेंद्र, सदर सेक्रेटरिएट एम्प्लॉइज एसोसिएशन A. नरेंद्र, तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन की सदर ममता और प्रोग्रेसिव टीचर्स यूनियन के सदर P. श्रीपाल रेड्डी और दूसरे भी शामिल थे। रियासती असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 15 मार्च से शुरू होने वाले बजट सेशन के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को COVID-19 के गाइडलाइंस के तहत ऐवान में नशिस्तों के इंतजाम की हिदायत दी। सेक्रेटरी मौके में उमूर मुखन्ना, V. नरसिम्हा चारेलू और दूसरे अहदेदार भी उनके हमराह थे। मुसलमा स्कूलों के इंतजामिया की एसोसिएशन ने आने वाले MLC इलेक्शन में TRS उम्मीदवार वाणी देवी की तायीद का ऐलान किया है। खानगी स्कूलों के इंतजामिया और असातिज़ा के इजलास में रियासती वजीर KT रामाराव, T. श्रीनिवास यादव, सबित्यंतर रेड्डी, G. कमलाकर और दूसरे शरीक थे। हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूबनगर से MLC के चुनाव के सिलसिले में BJP के उम्मीदवार N. रामचंद्र राव का एक जलसा जिले रंगारेड्डी के इब्राहिम पटन में मुनाकिद हुआ। BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना उमूर के इंचार्ज तरुण चक ने अपने खिताब में कहा कि TRS के दौरे हुकूमत में रियासत में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने
नौजवानों को रोजगार का वादा करते हुए उन्हें धोखा दिया है। सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पर कट मनी व झट मनी, ये टीआरएस के दो हथियार है, कट मनी और झट मनी, जिसके माध्यम से तेलंगाना को लूटा जा रहा है। आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे, पढ़े लिखे लोग बैठे, ग्रेजुएट लोग बैठे। हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूब नगर के एमएससी इलेक्शन के जिमन और दाखिला महमूद अली, साबिक वज अजम पी नरसिम्हा राव के दुख्तर और टीआरएस की उम्मीदवार वाणी देवी की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने चारशंबे की सुबह बागामा नामपल्ली में चहल खदमी करने वालों से मुलाकात की और टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा टीआरएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बी रमेश और हल्का नामपल्ली के इंचार्ज आनंद गौड़ वगैरह भी थे। आनंद गौड़ साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बंडी रमेश साहब और हमारे टीआरएस के काफ़ी सीनियर लीडर बासित भाई है, बहुत से हमारे हनुमंत राव साहब है जो हमारे सीनियर लीडर है, यूसुफ साहब है और काफ़ी लोग अहमद भाई है, काफ़ी लोग आज बागया में आए, जकी भाई है, ये हम लोग का यहाँ पर जो वॉकिंग के लिए आते हैं उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग सेहतमंद रहना आते हैं वॉक करते हैं, तो बहुत से लोगों से हम लोगों ने सब मिलकर मिला है। काफ़ी लोगों में टीआरएस पार्टी के लिए बहुत दिल से हमदर्दी है और जो हमारी कैंडिडेट है यहाँ पर ख़ासतौर से हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर के लिए वाणी देवी मैडम है, उसी तरह नलगुंडा। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैरी ओ फारेल इव ने चारशंबे को रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव से खैर सगाली मुलाकात की। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में इस तरह को ताउन के उम्र पर बातचीत की। वज़ीर फाइनेंस ने रियासत में जारी तरक्याती कामों से हाई कमिश्नर को वाकिफ करवाया। इस मौके पर काउंसलर जनरल सेरा करलू और माशी उमर के काउंसलर फेरीबल भी उनके हमराह थे। बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदार साबिक वज़ीर आज़म पी नरसिम्हा राव के दुख्तर वाणी देवी को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एमएलसी के चुनाव के लिए उम्मीदवार मुकर्रर किया है। वाणी देवी को कामयाब बनाने के लिए टीआरएस के मुस्लिम अरकान शबरोज इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वज़ीर दाखला महमूद अली और उनके फर्जंद मोहम्मद आजम अली पुराने शहर में काफी पेश पेश नजर आ रहे हैं। उर्दूगर मुगल प्रेम एक जलसा भी मुनक़िद हुआ, सलाहुद्दीन लोधी ने सदारत की। जनरल सेक्रेटरी टीआरएस सिटी यूनिट आजम अली ने कहा कि टीआरएस सेकुलर पार्टी है और वो आवाम के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। चार मीनार उर्दू हॉल टीआरएस पार्टी की जानिब से, स्पेशली हमारे चार मीनार इंचार्ज जनाब सलाहुद्दीन लोधी साहब की जानिब से यहाँ पे एक ग्रेजुएट्स के लिए मीटिंग का आगाज़ हुआ, मुनक़िद किया गया था। बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी ग्रेजुएट्स आगे बढ़ चढ़कर टीआरएस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। क्यों ना हो, क्योंकि टीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, टीआरएस पार्टी एक प्रोग्रेसिंग पार्टी है, टीआरएस पार्टी हमेशा आवाम के मसाइल के लिए काम करती आई है, टीआरएस पार्टी नौजवानों को रोज़गार देने के लिए काम करती आई है। और कुछ मीडिया पर मैं देख रहा हूँ लोगों ने ये कहा कि टीआरएस गवर्नमेंट से जॉब्स प्रोवाइड नहीं हुए, तो हमारे पास पूरा बाज़ाब्ता स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अराउंड 130,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्रिएट किए गए 2014 से 2020 तक, और वही कांग्रेस के गवर्नमेंट में 2004 से 2014 तक ओनली 29,300 और जॉब्स क्रिएट किए गए थे गवर्नमेंट में। जहाँ जॉब्स की बात आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, तो टीआरएस गवर्नमेंट में हमारे डायनेमिक लीडर ऑनरेबल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑनरेबल के टी रामाराव साहब ने 1,00,000। हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूबनगर के काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में जिसके लिए 14 मार्च को रायदेही होगी, साइबराबाद में शराब की तमाम दुकानात, बार्स और रेस्टोरेंट और सिंधी कंपाउंड जुमा 12 मार्च को शाम 4 बजे से इतवार 14 मार्च की शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 17 मार्च को भी ये दुकानात बंद रहेंगे। कमिश्नर साइबराबाद की तरफ से इस सिलसिले में एक ऐलामिया जारी किया गया है। शबे मेराज के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस संजनी कुमार ने शहर के तमाम फ्लाईओवर्स को 11 मार्च जुमेरात की शब 10 बजे से बंद रखने के काम जारी किए। अलमाजी निकलेस रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। पुलिस का एकदम इस मुकदस रात को नौजवानों की टोलियों के फ्लाईओवर ब्रिज पर जमा होने और करतबबाजी के वाकयात को रोकने के लिए किया गया है।
खवातीन के आलम दिन के मौके पर गौड़ तबके से ताल्लुक रखने वाली खवातीन पर हमला और उन्हें जद्दोजहद करने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि बालानगर के एक सिंधी खाने का मालिक डी नरसिंह खवातीन को उनका हिस्सा देने से इनकार कर रहा था। इस पर खवातीन एक महीने से एहतजाज कर रही थी। 8 मार्च की शब नरसिंह और उसके साथियों ने इन खवातीन पर हमला कर दिया। पुलिस बालानगर में शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन ताहल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब ये खवातीन इंसानी हकूक कमीशन से रुजू हुए हैं। మా పిల్లల్ని కట్టే తీసుకొని కొట్టిండు. నేను రోడ్ కంప్లైంట్ తీసుకొని అంటే రోడ్ మీద కూర్చొని కిరోసిన్ బాటిల్ పెట్టుకొని నేను రోడ్ మీద కంప్లైంట్ తీసుకుంటారా లేదా ఫస్ట్ మాది అని రోడ్ మీద కూర్చొని కిరోసిన్ బాటిల్ పెట్టుకొని కూర్చుంటే అప్పుడు రోడ్ మీద ధర్నా చేసి కూర్చుంటేనే అప్పుడు రాజేష్ గౌడ్ సార్ వీళ్ళందరూ కంప్లైంట్ తీసుకున్నారు. కానీ దాన్ని ఫైల్ చేయలేదు, ఎట్టి వదిలేసిండ్రు. దాన్ని వేస్ట్ అయిపోయింది నేను అందరూ. కానీ నాకు న్యాయం కావాలి సార్. నాకు న్యాయం జరగకపోతే మాత్రం నేను చావడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నా. అందరూ నాకు మహిళా దినోత్సవం రోజు ఒక్క సెకండ్ లో నా ప్రాణం పోయేది. 2 నిమిషాలలో చిన్న తాగిన తాగి అందరు బౌన్సర్లని తాగిన వాళ్ళని అందరినీ తీసుకొచ్చి ఎంత అన్యాయం చేస్తున్నాడు. కారం పొడి వెళ్తారా? వాష్రూమ్ కి వెళ్దాం అనే లోపు మాకు ఇదంతా జరిగింది. అక్కడ వాష్రూమ్ ఫెసిలిటీ కూడా లేదు. రోడ్ల మీదనే పోతున్నాం మేము. ఏజ్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. న్యాయం కావాలి. ఏ ఊర్లో జరిగిన అన్యాయం బాలనగర్లో జరుగుతుంది. पंजागुट्टे में महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली एक नौजवान लड़की की नामालूम शख्स की जानिब से असमत रेजी का वाकया पेश आया। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक ये वाकया पीर को पेश आया। बताया जाता है कि दो अफराद खुद को बैंक के मुलाजिम बताते हुए इस खातून के घर पहुंचे, जबकि वो तनहा थी। मुतासरा खातून ने बताया कि उसने इन दोनों को घर में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक उसे ढकलते हुए घर में दाखिल हो गया। पुलिस पंजागुट्टा मसरूफ़ तहकीकात है। डंडीगल में एक पुलिस कांस्टेबल शिवा कुमार की बीवी श्रीलता ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक शिवा कुमार अपनी बीवी के वजन में इजाफे पर उससे ताने देता था और वो इससे दिलबर्दाश्ता थी। गंडीपेट में हुए ट्रैफिक हादसे में एक कंप्यूटर ऑपरेटर सुनील की बरसर मौका मौत हो गई। पुलिस नारसंगी ने बताया कि सुनील मोटरसाइकिल पर जा रहा था और तवाजुन खो गया, जिसके सबब उसकी गाड़ी रोड डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस नारसंगी ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। रन बाजार में मंगल की रात नामालूम अफराद ने एक रोडी शीटर मोहम्मद फेरोज उर्फ फर्रू पर रास्ता रोककर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बरसरमाखा मौत हो गई। पुलिस रन बाजार ने बताया कि फर्रू माजी में कतल की एक वारदात और दूसरे जराइम में मुलविस था। उसकी रोडी शीट भी खोली गई थी। पुलिस हमलावरों की तलाश में है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तेलंगाना में कोरोना वायरस के 182 ताज़ा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह रियासत में इस मर्ज का शिकार होने वालों की जुमला तादाद 3,342 हो गई है। मौके में सेहत के प्रेस नोट के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान 2 अमवात भी हुई हैं। चुनाचे मरने वालों की तादाद अब 1,646 तक जा पहुंची है। पीर और मंगल के दरमियान 39,000 COVID-19 टेस्ट किए गए। जीएमसी हदूद में 34 नए केसेस दर्ज हुए हैं। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers, polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in cans. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success. Others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself.